बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ शीर कोरमे की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने 2 किलो दूध की मैं आपको शीर बनाना सिखाऊंगी आज। यहाँ मैंने 1 कप जो है चावल ले लिए हैं, जिसे मैंने 2 गिलास पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया है, ठीक है। इसके अंदर अब हम 1/2 किलो दूध डालेंगे। इसी में ही पानी हम नहीं फेंकेंगे इसका, इसी में हम 1/2 किलो दूध डाल के और इसे पकने रख देंगे। हाँ जी, ये देखिए इसमें मैंने दूध डाल दिया है। अब मैं इसे जो है वो पकने के लिए रख रही हूँ। जब तक हमारे दूध में उबाल आता है तब तक मैं आपको मेवा बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने खोपरा लिया है वो पूरा, जो एक खोपरा होता है उसका मैंने हाफ लिया है, ठीक है। उसे मैंने बारीक कश कर लिया है। और 9 अदद जो है हमारे पास यहाँ छुहारे हैं, और 1/2 कप समझें यहाँ पर पिस्ते हैं, और 1/2 कप ही मेरे पास यहाँ पर बादाम है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम बादाम, पिस्ते और छुहारे, इन तीनों चीज़ों को हम बॉईल करेंगे। तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, इनकी स्किन हट जाएगी, और उसके बाद हम इन्हें कट करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो मेवा है इसमें जो है उबाल आ चुका है। अब हम इसका जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसको, इसकी स्किन हटाएँगे और फिर इसको कट करेंगे हमारी शीर में डालने के लिए। यहाँ हमारे दूध में भी जो है वो उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसका भी फ्लेम जो है वो स्लो कर दूंगी बिल्कुल दम वाली आंच पे। हम अपने चावल गलने तक इसे पकाएंगे, हमें चावल बिल्कुल गला लेने हैं, तो चावल गलने तक मैं इसे पकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल जो है वो 1/2 घंटे में ये इतने हो गए हैं कि ऊपर आ गए हैं। दूध हमारा कम हो गया है और चावल हमारे ऊपर आ गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसे सिर्फ ज़रा सा पकड़ के और इसे सिर्फ हिलाएँगे, ताकि जो थोड़े बहुत रह गए हों वो भी हमारे गल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारे बादाम और पिस्ते जो हैं वो बड़े अच्छे से हो गए हैं। देखिए इसकी स्किन इस तरीके से अलग हो जाएगी, सही है, ये देखिए। तो अब बस इसकी मैं सबकी स्किन उतारूँगी, और छुहारों में से जो है इनकी कुटली मैं निकाल के और इन्हें मैं राउंड में ही काट लूँगी, ठीक है। और बाकी दोनों चीज़ों को मैं लंबा ही काट लूँगी, काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इनको कट कर लिया है, छिलका रिमूव कर दिया है, इसका भी उसका भी। तो आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो अब जब हमारे पास चावल डन होने ही वाले हैं, तो फिर हम अपने चावलों में गोटा लगाएंगे। उसके बाद हम हमारा 1.5 किलो दूध जो हमने रोका था वो हम उसमें शामिल करेंगे, इलायची शामिल करेंगे और केवड़ा शामिल करेंगे, और हम डालेंगे उसके अंदर सिवैयाँ। अच्छा जी, चावल जो है वो हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर इस घोटने की मदद से मैं इसमें घोटा लगाऊंगी। अच्छा जी, देखिए कितने अच्छे से हमारे जो चावल हैं वो हमें दानेदार रखना है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर बाकी बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। अच्छा, दूध जो है ना वो आपने कम कम डालना है, ठीक है। देखिए मैंने अभी थोड़ा सा डाला है, उसके बाद हम इसे मिलाएँगे, क्योंकि अगर हम सारे एक साथ डाल देंगे तो वो जमा जमा हो जाएगा, और फिर आपको उसकी जो लम्स बन जाएंगे उसके अंदर, उसे करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, सही है। अब देखिए थोड़ा सा लिक्विड हो गया है, अब हम इसके अंदर बाकी बचा हुआ सारा दूध डाल देंगे। ये पूरा 2 किलो दूध अब इसमें चला गया है। अब हम इसे हिलाएँगे, इसके अंदर अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। ये देखिए, ये मैंने 5 अदद इलायचियाँ ली हैं, जिनको मैंने बारीक पीस लिया है। बस अब इसमें पक्कन पड़ेगी, फिर हम इसके अंदर जो है चीनी और मेवा शामिल करेंगे, सेवैयाँ डालेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। अच्छा जी, थोड़ी देर पक गया है ये, अब इसके अंदर हम खोपरा और हमारे जो ये हैं बाकी की मेवा हमारी छुहारे, वो हम इसमें डालेंगे। इसको मिलाएंगे थोड़ा सा और इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद मैं बादाम और इसमें पिस्ते डालूँगी। अच्छा जी, 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर पिस्ते और बादाम भी शामिल कर देंगे हमारे। अच्छा जी, ये देखिए अब ये सिवैयाँ मैंने इसमें ली हैं, ये 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये भी हमें इस तरह डालनी है, थोड़ा थोड़ा हाथ रोक के, क्योंकि ये भी एकदम जम जाती है, तो आपने इस तरीके से डालना है। अच्छा, आप इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं शीर में,
लेकिन आप उसको ठंडा करके फिर डालिएगा, क्योंकि शीर में हमेशा ऐसा हो जाता है कभी कभार के अगर खट्टी डल जाए किशमिश तो वो शीर को बहुत जल्दी ख़राब कर देती है गर्म में डालने की वजह से। तो आप ठंडा करने के बाद शीर को अच्छी तरह, उसके बाद आप इसमें किशमिश जो है वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। बस अब मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, फिर इसके अंदर हम चीनी और केवड़ा शामिल करेंगे। अच्छा जी, देखिए बहुत अच्छे से अब ये पकना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। अभी मैं एक प्याली चीनी इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा रोक के ही डालूंगी, बिल्कुल ज़्यादा से रोक रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी डाल दूँगी, वो मैं आपको बता दूँगी। अच्छा जी, सबसे आखिर में इसमें जाएगा केवड़ा। ये केवड़ा मैंने इसके अंदर डाला है 1.5 टेबल स्पून, इसी से बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी। बस अब हम इसे पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। थोड़ी सी ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको हम ठंडा करेंगे, और उसके बाद आप अपने मेहमानों को खिलाएं। बहुत ही मज़े की ये लगती है, और ईद में तो मज़ा ही आ जाता है, शान होती है ये ईद की। अच्छा जी, चीनी जो है वो अभी इसमें कम है तो मैंने अभी और ली है इसके अंदर। अब इसको आप 1.5 प्याली समझें, 1.5 प्याली चीनी जो इस है इसमें गई है। वैसे मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम रखना हो कम रख लें, ज़्यादा रखना है ज़्यादा रख लें। अच्छा जी, देखिए चीज हमारी बहुत अच्छे से डन हो गई है। आप ये देखिए इतनी पतली मैंने रखी है, क्योंकि ये ठंडी होकर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसमें सेवैयाँ भी हैं और चावल भी हैं, तो इसलिए आप भी थोड़ी ऐसे ही रखिएगा ताकि ठंडी होने के बाद वो एकदम जमी जमी ना हो, शीर की तरह ही हो, ठीक है। तो बस अब मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारी शीर जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, और ईद पे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। और अब मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।